बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस आज पार्टी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री। वर्चुअली 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। इस मौके पर बीजेपी का बड़ा प्लान, देश भर में 10 लाख से ज्यादा दीवारों पर एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से बीजेपी सरकार लिखने का कार्यक्रम। स्थापना दिवस पर बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली में रहने के आदेश, बाल योगी हॉल में कार्यक्रम का होगा आयोजन। पार्टी के स्थापना दिवस से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तैयारियों का जायजा लिया, महासचिव सुनील बंसल और विनोद तावड़े के साथ बैठक। 8 दिनों तक मनाएगी बीजेपी स्थापना दिवस का कार्यक्रम, आयोजन को सामाजिक न्याय का नाम दिया। राष्ट्रपति भवन में दिए गए पद्म पुरस्कार, मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित, अखिलेश यादव ने लिया सम्मान। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिलने के बाद सीएम योगी का ट्वीट लिखा, वंचितों और पिछड़ों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमेशा किया जाएगा। 50 से ज्यादा लोगों को राष्ट्रपति ने दिए पद्म पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड विजेता संगीतकार और एमएम किरमानी को पद्मश्री सम्मान। राष्ट्रपति भवन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया, गृहमंत्री अमित शाह ने विजेताओं के सम्मान में डिनर दिया। पद्मश्री से सम्मानित बिद्री कलाकार शाह रशीद अहमद खादरी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, कहा मुझे नहीं थी बीजेपी सरकार में पुरस्कार मिलने की उम्मीद, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका, जांच एजेंसी के दुरुपयोग के मामले में याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट से इनकार और विपक्षी दलों ने वापस ली याचिका, कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने अर्जी दी थी। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट के दो टूक, नेताओं के लिए अलग से नहीं बन सकता कानून। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहे से मामलों में हम जारी नहीं कर सकते कोई गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का विपक्ष पर तंज, कहा सर्वोच्च न्यायालय ने सभी के आरोपों को किया खारिज। हनुमान जयंती से पहले ममता सरकार पर कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश, जिन इलाकों में धारा 144 वहां पर नहीं निकाले जाए शोभायात्रा। कोर्ट का ममता सरकार को केंद्रीय बल तैनात करने के भी निर्देश, कोलकाता चंदनगर और बैरकपुर में 3 कंपनीज की तैनाती का फैसला। उगली में हिंसा पर रिसरा रेलवे स्टेशन पर पथराव के खिलाफ बीजेपी का कोलकाता में पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक मार्च, सांसद लॉकेट चैटर्जी ने अगुवाई की। बीजेपी ने पूरे मामले में पुलिस पर एक तरफा एक्शन का लगाया आरोप, ममता सरकार के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। हनुमान जयंती को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी, सभी राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। हनुमान जयंती पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, अगर सभी बरते शांति तो नहीं होगी समस्या का, बंगाल में सभी त्योहारों का सम्मान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक का ममता बनर्जी पर आरोप, बोले सीएम पद पर बैठकर कर रहे हैं बेहद हल्की बातें, हिंसा के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। बिहार में हिंसा को लेकर सियासी तकरार तेज, बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, रामनवमी के पीछे साजिश है हिंसा के पीछे। गृहमंत्री अमित शाह पर तेजस्वी का निशाना, कहा संघीय ढांचे को खराब करने का काम हो रहा है। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बयान, पहले दंगा करवाती है बीजेपी फिर करती है हल्ला। बिहार हिंसा को लेकर विधानसभा के बाहर हंगामा, बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का आरोप, हिंसा पर सरकार के पास जवाब नहीं, सवालों से भाग रहे हैं नीतीश। बिहार शरीफ के हिंसाग्रस्त इलाकों में हिंदू मुस्लिम संगठनों ने निकाला सद्भावना मार्च, शांति बहाली की कोशिश। सासाराम में हिंसा का जायजा लेने पहुंचे बिहार डीजीपी, दंगा प्रभावित इलाकों की पूरी जानकारी ली। हुगली के रिसरा जाने की कोशिश में कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोक दिया, बैरिकेडिंग की गई। आज से 2 दिवसीय दौरे पर असम जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 8 अप्रैल तक नॉर्थ ईस्ट में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 8 और 9 अप्रैल को तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। तेलंगाना में 11,300 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और रखेंगे आधारशिला। भारतीय वायुसेना के स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस के नाम दर्ज हुई बड़ी सफलता, एलसीए ट्रेनर्स ने एचएएल हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी। सूचना प्रसार मंत्रालय ने अमेजॉन के साथ किया करार, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई प्रतिभाओं को मिलेगा मौका। पठानकोट में खालसा स्थापना दिवस के अवसर पर नगर कीर्तन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, 17 अप्रैल तक बड़ी न्यायिक हिरासत। तेलंगाना में 10वीं क्लास के पेपर लीक के मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बंदी संजय गिरफ्तार, पुलिस ने बनाया आरोपी नंबर 1। वारंगल में मजिस्ट्रेट के सामने बंदी संजय की पेशी, जेपी नड्डा ने बंदी संजय के करीबियों से बात की।
बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसा, बोले जनता करेगी रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों का हिसाब। बिहार के सहरसा में होमगार्ड बहाली में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होने पर धरना प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। जम्मू में पीएम मोदी के पंच प्रण पर केंद्रीय 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल। हुगली में हनुमान जयंती को लेकर पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, सेंट्रल फोर्स की भी तैनाती की गई। पुरुलिया में कुर्मी समाज का रेल रोको अभियान, मांगे पूरी न होने तक हड़ताल की धमकी। थाने में शिवसेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों वाला रैप सॉन्ग वायरल, पुलिस ने केस किया दर्ज, जांच शुरू। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर चुनाव लड़ने के लिए एक्टिव, खुला अपना नया कार्यालय। राजस्थान बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने आरपीएससी के सचिव को ज्ञापन सौंपा, अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में परिणाम जल्द जारी करने की मांग। वडोदरा में हनुमान जयंती को लेकर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, 700 पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। यूपी के चंदौली में गौशालाओं की जमीनी हल्के कर जाने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे जिलाधिकारी, गौवंशों के उचित रखरखाव का निर्देश दिए। हावड़ा के शिवपुर में शोभा यात्रा के दौरान घटना को लेकर हावड़ा कोर्ट ने सुनाया फैसला, सुमित साहू समेत 3 अभियुक्तों को 8 दिनों की सीआईडी कस्टडी। सुकमा में फेसबुक पर हिंदू समाज को आपत्तिजनक शब्द कहने, गाली गलौज करने का एक वीडियो अपलोड, आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद में भारी बारिश जिसकी वजह से जलभराव, रोड पर लंबा जाम लगा। बंगाल के उत्तर 24 परगना में हनुमान जयंती को लेकर पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, आरएएफ शामिल। पलामू चतरा मुठभेड़ में जख्मी नक्सली कमांडर गिरफ्तार, 5 लाख का इनामी थक कमांडर। थाने में बीजेपी और शिवसेना गुट ने सावरकर गौरव यात्रा निकाली, हजारों लोग में शामिल। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने लाडली बहना कैंप का निरीक्षण किया, मंत्री ने खुद महिला आवेदकों का फॉर्म भरा। वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर में 23 अप्रैल से 2 मई तक श्रीहित हितोत्सव का भव्य आयोजन होगा, ब्रज संस्कृति की झलक दिखेगी। मुजफ्फरपुर में 21 साल की बैकी शर्मा ने बैटरी वाला प्लेन बनाया, प्लेन काफी देर तक उड़ान भी भरता रहा और उड़ते प्लेन को देखकर लोगों की भीड़ जुटी। बुलंदशहर में आंधी बारिश की वजह से किसानों के गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान, खराब गेहूं की फसल भी खरीदेगी सरकार, आकलन में जुटा प्रशासन। उधम सिंह नगर में भारी बारिश के बीच में नजर आई श्रद्धालुओं की आस्था, चैती मंदिर और खोखरा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। रुद्रप्रयाग में बेमौसम बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित, चारधाम यात्रा की तैयारियों पर पड़ रहा है असर। राजस्थान के करौली में वन रैंक वन पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों का विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव का हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विरोध किया, बोले किताबों से तथ्य हटाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अमरावती में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने निकाली भव्य रैली, हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। संगरूर में बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे को लेकर किसानों का हंगामा, डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। जोशीमठ में 20 मई से खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कबाड़, सुरक्षा के लिए 20 अप्रैल को भारतीय सेना होगी रवाना। हिमाचल प्रदेश में नए सिरे से बनेगा हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन, सीएम ने विधानसभा सदन में दी जानकारी। यूपी के बांधव में पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, 2 पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। हनुमान जन्मोत्सव पर गुजरात के सारंगपुर में स्थापित की जाएगी बजरंगबली की 54 फीट ऊंची प्रतिमा, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे लोकार्पण। मुजफ्फरनगर में लगेगा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कृषि मेला, 2 दिन तक रहेगा मेले का आयोजन। मोतिहारी में आयोजित हुआ प्रतिभा सम्मान समारोह, मैट्रिक की परीक्षा सफल होने पर 400 से ज्यादा बच्चों को एक साथ सम्मानित किया गया। वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर में 23 अप्रैल से 2 मई तक होगा श्रीहित हितोत्सव का आयोजन। बेमौसम बारिश से रुद्रप्रयाग में जनजीवन पर असर, केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों पर असर। मोतिहारी में फॉक फाउंडेशन द्वारा कलाम यूथ क्लब की शुरुआत की गई, डॉक्टर कलाम के का जो सपना विकसित भारत का था उसको सफल करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए उठाया गया कदम। मुंबई में किया गया वीर सावरकर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी विधायक आशीष सिलार शामिल। बढ़ती कोविड केसेस की वजह से एमसीडी अस्पतालों में नोडल ऑफिसर्स की तैनाती, मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने कोविड की रोकथाम के लिए तैयारियों का निरीक्षण किया। गोपालगंज में 500 रुपए के लिए पेटर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस ने 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा किया। अलवर में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। बैतूल में भतीजे ने पत्नी के साथ मिलकर बुजुर्ग चाचा की हत्या की, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीलीभीत में आग लगने से लाखों के गेहूं की फसल राख हो गई, झोपड़ी में आग भी लगी, 2 साल के बच्चे की मौत।
दुर्गापुर में पैराशूट समेत लापता हुआ जवान का शव मिला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग पुलिस ने 6 महीने के बच्चे की हत्या के मामले में खुलासा किया, मां ने ही बच्चे की हत्या की थी। हरिद्वार में कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के नाम पर वकील ने मांगे रंगदारी, 2 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में बदमाशों ने बैंक लूटने का प्रयास किया, चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। आरा सिविल कोर्ट ने चर्चित इचरी नरसंहार कांड में सुनाया फैसला, अपराध में शामिल 9 लोगों को आजीवन कारावास। आरा में चाचा ने भतीजे की चाकू झोंककर हत्या कर दी, पैसे के विवाद को लेकर वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर में बाइक और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 3 युवकों की मौत। दिल्ली में बस और स्कूटी की टक्कर, स्कूटी को बस ने दरअसल मारी टक्कर, स्कूली छात्र की मौत, बस लेकर फरार हुआ ड्राइवर। चेन्नई में एक मंदिर के टैंक में डूबे 5 युवक, 5 की हो गई मौत। मुंबई में लूटपाट हत्या गुंडागर्दी करने वाले गिरोह का खुलासा, 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। उज्जैन में चलती ट्रेन से गिरे 2 यात्री, आरपीएफ के जवानों ने बचाई दोनों ही यात्रियों की जान। यूपी के बांदा में वैन में गैस रिफिलिंग करते समय अचानक लगी आग, पूरी वैन जलकर राख। राजस्थान के धौलपुर में जहरीला दाना चुभने से 2 दिन में 8 मोरों की मौत, जांच में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के खरगोन में सीमेंट की बोरियों से भरा हुआ एक मिनी ट्रक नहर में जा गिरा, 1 की मौत हो गई। बरेली में सिर फिरे प्रेमी ने किया युवती पर चाकुओं से हमला, घटना के बाद से इलाके में मचा है हड़कंप। रामपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है, 9 महिलाओं समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आईपीएल 16 के रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने राजस्थान को दी मात, 5 रनों से हरा दिया। पंजाब ने पहली बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 197 रन बनाए, जवाब में राजस्थान की टीम 192 रन ही बना सकी। पंजाब की ओर से कप्तान शिखर धवन ने सबसे ज्यादा रन बनाए, मात्र 56 गेंदों पर 86 रन बन। नैथन लियन ने शानदार प्रदर्शन किया, उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला, 4 विकेट लिए थे। आज का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस बेंगलुरु के बीच में होगा, शाम को 7:30 बजे ईडन गार्डन में ये मैच है।